नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स इवन प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले गोल्फ चैंपियनशिप T20I का फर्स्ट मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा कुवैत वर्सेस सऊदी अरेबिया टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे तो फुल स्टेप्स इन्फो। दोनों टीमों को एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की, तो मैच शाम में 6:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है बेस्ट इंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा कतर के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, तो बैलेंस विकेट के हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड के अंदर जो बैटर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ये किसी की टीम का होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लीग्स वगैरह के जो मैचेस होते हैं ना होते रहते हैं, तो यहाँ पर कब विकेट काफ़ी फ्लैट है, रन अच्छे खासे बनते हैं। लेकिन यहाँ शुरुआत में ठीक ठाक पेसर्स को मदद मिलती है, आप 140 से 160 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। अब दोस्तों अभी जो कुवैत की टीम है, टीम थोड़ा सा मजबूत है, इनकी एक मतलब लोकल लीग भी हुआ करती है और इनकी टीम प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट भी खेलती है। वहीं दोस्तों सऊदी अरेबिया की टीम और टीम काफ़ी कमजोर है, उनकी टीम में ज़्यादा अच्छे प्लेयर आपको दिखेंगे नहीं, कुछ ही प्लेयर हैं, 3-4 प्लेयर जो अच्छे हैं तो आप उन्हीं को प्रेफर करिए। बाकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में अपने कुवैत के प्लेयर्स को लेना है, इन्हीं के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुवैत की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे अदनान इदरीस, उनके साथ ओपन करने आएंगे रवीजा संद्रू। यदि बात करें दोस्तों अदनान की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफस्पिन बॉलिंग करते हैं, कमाल के ऑलराउंडर है। रिसेंटली कुवैत ने जो मैचेस खेले वहाँ पर उन्होंने कुवैत के लिए ओपन करा हुआ है। अब आखिरी के जो 4 मैचेस खेले हैं, 14 रन 2 विकेट 50 में 0 11 में 0 और 52 में 1 का स्कोर है। बैटिंग से देखेंगे तो 14, 50, 11 और 52 मतलब अच्छी पहुंच है, बॉलिंग उन्होंने सारे मैचेस में कराई हुई है। आपको ओपन करते नजर आएंगे, कुछ और की बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन रहेंगे। ओपन करने आएंगे रवीजा संद्रू, जो राइट हैंड बैट्समैन है, एक अच्छे पावर हिटर हैं और कुवैत के लिए भी खेलते हैं, मतलब कुवैत के लिए लगातार खेलते हैं। अब लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं, 0, 3, 63, 28 और 44 का बैटिंग से स्कोर है, जिसमें 3 अच्छे स्कोर हैं 63, 28 और 44 के। ओपन करेंगे अच्छे पावर हिटर हैं और आपको अपनी टीम में लेके जाने चाहिए, सिलेक्शन भी मात्र 10% है। तीसरा बैटिंग ऑर्डर है अमित भौसर का, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। हालांकि दोस्तों ये कभी कभार ओपन भी कर जाते हैं संद्रुवन के साथ और अदनान इदरीस नंबर 3 में खेल जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन रिसेंटली जो कुवैत ने मैचेस खेले ना, वहाँ पे अदनान इदरीस और संद्रुवन ने ओपन किया, अमित भौसर ज़्यादातर नंबर 3 पे ही बैटिंग करने आए हैं, तो नंबर 3 ही अपनी बैटिंग करते हुए देखेंगे। अब लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं, 0, 32, 20, 119 और 0 का स्कोर किया हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कोर है इनका 100+ का, और साथ में 2 ठीक ठाक स्कोर हैं 32 और 20 के, और 2 फेलियर हैं जिसमें 0 पे आउट हुए हैं। तो मतलब जब चलते हैं तो लंबा भी खेल सकते हैं, तो एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो सेफ खेलना चाहें, इन दोनों में से आप किसी एक को ही लीजिएगा। यदि आप सेफ जाना चाहें तो अमित भौसर को ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो रवीजा संद्रोन को ले सकते हो, जो कि अच्छे पावर हिटर है। अमित भौसर थोड़ा सा स्लो जरूर खेलते हैं, ऐसे ही इनके साथ रहता है, लेकिन मतलब टेक्निकली सॉलिड है। चौथा बैटिंग ऑर्डर है असलम नौफर का, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आउट से बॉलिंग डालते हैं। लास्ट के जो 4 गेम खेले हैं, 58, 30, 51, 70 बैटिंग से सारे मैचेस में उन्होंने स्कोर कर रखा है डोमेस्टिक के अंदर, क्योंकि रिसेंट में इनके डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट हुआ था उसी के स्टेट्स है। और बॉलिंग इन्होंने आखिरी के जो 4 मैचेस में कराई है, 4 मैचेस में इनको टोटल 3 विकेट मिला है। मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे और साथ में आपको 3 ओवर के आसपास बॉलिंग करके देंगे, तो अपनी टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हो, अच्छे स्पिनर हैं। पांचवा बैटिंग ऑर्डर रहेगा यहाँ पे परविंदर कुमार का, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम। लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं, बैटिंग से मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, 4, 21, 0, 2 और 13 का स्कोर है। बॉलिंग इन्होंने 5 मैच में कराई है, जहाँ पर इनको टोटल 4 विकेट मिला है, ठीक ठाक से रोटेशन लायक ऑप्शन है। मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं, इस टीम के जो कीपर है ना उस्मान खानी पटेल, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है लेकिन मजबूत टीम के कीपर है, बैटिंग से कम आपको कीपिंग से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। सिराज खान सारिफ की बात करें, नीचे आकर हिटिंग कर सकते हैं, प्लस कुछ और बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट के उन्हें आप सिराज खान से तो आप शायद 4 ओवर पूरे देख जाएं, क्योंकि अच्छे बॉलर, लेकिन बैटिंग हर बार नहीं आएगी। लास्ट के जो 5 गेम खेले, 49, 14 और 16 का बैटिंग के स्कोर है, 3 ही गेम में बैटिंग आया है, लेकिन बॉलिंग से उन्हें बहुत इंप्रेस किया है, 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 4 विकेट 1 विकेट बॉलिंग ने हर मैच में निकाले हुए विकेट निकाले हुए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सईद मोनिम नीचे आके बल्ला चला सकते हैं, साथ में आपको अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं। लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं, 37 में 1, 2 रन 1 विकेट 16 रन 1 विकेट 28 में 0, मतलब थोड़ा बैटिंग का बैकअप देंगे और आपको कुछ ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे 3 से 4 ओवर की। यासीन पटेल इस टीम के मेन स्पिनर हैं, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स। आखिरी के जो 5 गेम खेले हैं, 1 विकेट 1 विकेट 1 1 और 4, मतलब 4 गेम में 1-1 विकेट निकाले, 1 गेम में 4 विकेट निकाला, थोड़ा बल्ला भी चला सकते हैं, लेकिन बैटिंग शायद इतना नीचे शायद ज़्यादा ना आए, लेकिन हाँ बॉलिंग आपको अच्छी खासी डालते हुए नजर आएंगे। इलियास अहमद की बात करें, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है,
उतने ज़्यादा विकेट टेकिंग है नहीं, आखिरी के चार गेम में सिर्फ एक विकेट आप छोड़ सकते हो। सारा कोडिस की बात करें, इनके आखिरी के पांच गेम में पांच विकेट उन्होंने निकाल रखे हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं राइट आर्म मीडियम है। तो ये प्लेइंग इलेवन आपको देखने को मिल सकता है कुवैत का, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, इनके ये कुछ चाल प्लेयर आपको बेंच में देख सकते हैं जो कि शायद ना खेलें। अब दोस्तों सऊदी अरेबिया की बात करें, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम मिलेगा टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम पे में ज्वाइन कर लें। 23,000 ज्यादा दोस्तों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन करके रखा हुआ है। अब दोस्तों सऊदी अरेबिया की टीम है, इस टीम के लिए आपको ओपनिंग करते रहेंगे अब्दुल वाहिद गफर, उनके साथ ओपन करने आएंगे वकार उल हसन। यदि बात करें दोस्तों अब्दुल वाहिद गफर के जो राइट हैंड बैट्समैन है, अब लास्ट गेम में जो पांच मैचेस खेले हैं ना बैटिंग से आप देखेंगे 95/124, 36/6 और 2 का स्कोर है, दो बहुत बड़े स्कोर आए हैं 95/124 के, और ये ओमान किंग्स आए थे। और इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मैं आपको बता दूँ, बहुत गजब की बैटिंग करते हैं और इस टीम में इनसे बेहतर शायद कोई बल्लेबाज नहीं है, और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर जाते हैं। तो एज अ प्लेयर जरूर रखिए, बहुत लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा रहे हैं, लेकिन सामने एक टीम अच्छी है इनसे मजबूत है, तो सीबीसी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सामने वाली टीम को बॉलिंग अटैक काफी तगड़ा है, एज अ प्लेयर जरूर रखें, ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे वकार उल हसन जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट के पांच गेम जो खेले हैं 3, 55, 2, 16 और 41 का स्कोर कर रखा है, दो अच्छे स्कोर हैं 55 और 41 के, लेकिन फिर भी सिलेक्शन कम है, जीएल के अंदर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तीसरा बैटिंग ऑर्डर रह सकता है फैजल खान का। दोस्तों फैजल खान का मैं आपको बता दूं, ये ओपन भी करना जानते हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए ओपन भी करा हुआ है, लेकिन पास्ट में ओपन करा हुआ है काफ़ी टाइम पहले, अब उसके बाद ये स्क्वाड में रहे नहीं, बीच में जो सऊदी अरेबिया ने मैचेस खेले इनको स्क्वाड में रखा नहीं गया, काफ़ी टाइम बाद इनकी शायद वापसी हो रही है। अब फैजल खान का आप देखेंगे लास्ट के जो पांच गेम है 0, 81, 7, 16 और 1 का स्कोर है, इन तीन में से कोई दो ओपन कर सकते हैं, जिसमें वकार उल हसन और अब्दुल वाहिद गफर ने रिसेंटली ओपन किया हुआ है। पिछले मैंने कुछ मैचेस का जाके स्टैट चेक किया तो फैजल खान ने वकार उल हसन के साथ ओपन किया था, मतलब सिंपल सा है कि वकार उल हसन के साथ इनमें से एक ओपनिंग आ सकता है जो बचेगा नंबर तीन खेलेगा, तो ये क्लियर हो गया। चौथा बैटिंग ऑर्डर रहेगा साद खान का, जिन्होंने 78/0, 1/16 का किया हुआ है, एक अच्छा स्कोर है 78 का, ठीक ठाक से पिक रहेंगे, मिडल ऑर्डर खेलते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हिसाम से एक की बात करें, थोड़ा बैटिंग का बैकअप देते हैं और साथ में बॉलिंग कर सकते हैं, हालांकि आखिरी के चार गेम में उन्होंने सिर्फ बैटिंग से ही परफॉर्म किया, बॉलिंग से इनका कुछ भी नहीं है, बैटिंग से 36/21 उन्होंने कर रखा है। हसीम कपूर का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लास्ट के जो पांच मैच खेले उसमें से तीन ही मैच में इनका बैटिंग आया, जिसमें 6/40, 28 उन्होंने किए हुए, दो मैच में इनका बैटिंग भी नहीं आया क्योंकि बैटिंग थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब्दुल वाहिद की बात करें, नीचे आके मतलब बैटिंग कर सकते हैं, साथ में कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं पार्ट टाइम, मतलब एक दो ओवर की, तो ठीक ठाक से पिक हैं आप, रोटेशन में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उस्मान नजीब की बात करें, जो कि मतलब बॉलिंग भी कुछ ओवर की कर सकते हैं और बैटिंग का थोड़ा बैकअप देंगे, सिर्फ जीएल के अंदर ट्राई करें। जैनुल अबिदीन लेफ्ट आउट ऑफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस टीम के सबसे खतरनाक बॉलर हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 7 विकेट हैं आखिरी के पांच गेम में, मैं इनको जरूर लेके जाएं। अतीफुर रहमान इस टीम के मेन पेसर रहेंगे, आखिरी के जो पांच गेम खेले हैं 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, आखिरी के पांच गेम में करीबन 11 विकेट निकाल रखे हैं, तो अतीफुर रहमान भी आपकी टीम में मस्ट अपेक है। इश्ताक अहमद भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 3 और 4, मतलब इन्होंने भी 11 विकेट निकाले लास्ट पांच मैच में, तो ये जो तीन है ना इस टीम के मेन बॉलर हैं जो शायद आपको 12 ओवर करते हुए नजर आएंगे, बाकी के जो ऊपर प्लेयर हैं उनके बीच में ओवर्स डिवाइड हो सकते हैं 8 ओवर। तो दोस्तों आपके सामने सऊदी अरेबिया का परफॉर्मेंस है, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग यही देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी ना टॉस के बाद ही बनेगी, जो कि आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। ऑलरेडी टेलीग्राम पर दोस्तों 23,000 ज्यादा दोस्तों ने हमको ज्वाइन किया हुआ है, आप भी जुड़ जाएं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं उस्मान घानी पटेल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मजबूत टीम के कीपर हैं, शायद आपको कैचिंग और स्टंपिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिए जाएं, बैटिंग ऑर्डर दोनों को वही पांचवा छठवा रहता है। हसीब कपूर से बैटिंग से पॉइंट देंगे, कीपिंग से शायद बहुत ज्यादा पॉइंट ना दें, तो आप इनको एक आज जेल में ट्राई करें और ऐसे बट खेलेंगे नहीं, बाकी आप स्मॉल लीग में घानी के साथ ही जाएं। बैटिंग सेक्शन से मैंने दो प्लेयर लिए हैं, रवीजा संद्रो मेरे पास इनका मात्र 10% सिलेक्शन है, और फैजल खान है जिनका मात्र 2% सिलेक्शन है, दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, टॉप 3 में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और शायद ओपन भी आपको दोनों करते हुए दिखें अपनी टीम के लिए। अब जो लोग सेफ खेलना चाहें मीत भाउसर को जरूर ट्राई कर सकते हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे, ये भी टॉप ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन ये उतने अच्छे पावर हीटर नहीं है, तो मैं संद्रोन के साथ जा रहा हूं। साद खान भी अच्छे पिक है, आप ट्राई कर सकते हो, 2 राउंड खेलेंगे। परविंदर कुमार भी ठीक ठाक पिक आपके लिए रहने वाले हैं। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, मैंने 5 प्लेयर लिए हैं, और अब्दुल वाहिद गफर आपकी टीम में मस्ट पिक हो जाते हैं, यहाँ से अदनान इदरीस मस्ट पिक, कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन, असलम नौफर इंपॉर्टेंट है, सिराज खान शरीफ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से यासिन पटेल भी एक अच्छे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ। हालांकि जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहाँ पे 4 ऑलराउंडर लेने हैं, तो ऊपर के आपको जो 3 दिख रहे हैं और यहाँ से सिराज खान दिख रहे हैं, ये 4 आपकी टीम में मस्ट पिक है, चारों को मत छोड़िएगा। यासिन पटेल को छोड़ के जो लोग ऐसे आप पे खेल रहे हैं जहाँ पे 4 ही लेने हैं, तो यासिन पटेल को छोड़ के आप इनकी जगह क्या कर सकते हो, आप परविंदर या फिर मीत पॉस्टर को पिक कर सकते हो, ये एक चेंज कर लीजिएगा। बाकी जो लोग ड्रीम पे खेल रहे हैं तो 5 लेके जाइए। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 3 लिए हैं, अतीबुर रहमान मस्ट पिक रहेंगे, अच्छे बॉलर हैं, जैनुल अबिदीन और शाहिद मुनीम, 3 में से हम किसी को नहीं छोड़ सकते। आई अहमद हो गए, और यहाँ से आपको दिखेंगे सफी के दी खेलते हैं, तो आप इनको ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल पर होगी, तो दोस्तों मेरे कैप्टन रहने वाले अदनान इदरीस, जो मैं इनको कंफर्म कैप्टन रखूंगा, टॉप 3 के अंदर बैटिंग करेंगे, चांसेस आएंगे कि आपको ओपन करते नजर आएंगे, साथ में कुछ ओवर की बॉलिंग भी कर सकते हैं, इस वजह से मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन असलम नौफर हैं, ये भी आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे कुछ ओवर की,
टू डाउन खेलना चाहिए। तो ये मेरे वाइस कैप्टन है, दोनों ही मैंने कुवैत के कैप्टन वाइस कैप्टन करे हैं, ये टीम मुझे मजबूत लग रही है और इन्हीं को मैं जीतना चाहिए। ये लोग रिसेंट में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कुवैत के अंदर अभी एक टूर्नामेंट इनकी एक लोकल लीग होती है वो चल रही थी, तो वहाँ पे सारे प्लेयर खेले हुए हैं, इस वजह से ये थोड़ा एक्टिव प्लेयर है और अच्छे लेवल पे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो कुवैत स्ट्रॉन्ग है, 7-4 का कॉम्बिनेशन हम उनके फेवर में बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेफ खेलने वाले वाहिद को बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्मॉल लीग के अंदर, क्योंकि ये आपको सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देंगे, बॉलिंग पार्ट टाइम करते हैं, 4 ओवर बहुत कम है डालें, 1-2 ओवर की बॉलिंग डालेंगे। तो एक बहुत अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है आपके लिए इन दोनों के अलावा, वो है सिराज खान, बहुत कम लोग उन्हें सीबीसी करेंगे, अच्छा बॉलर, बैटिंग शायद बहुत ज़्यादा ना करें, बॉलिंग तो कमाल की करते हैं, 4 ओवर पूरे डालेंगे। और मेन बॉलर्स में भी सीबीसी रखिएगा, बॉलर स्मॉल लीग का टीम ही है, लेकिन इस टीम में भी मैं कुछ भी चेंज करूँगा टॉस के बाद, तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में, तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लें। 23,000 ज्यादा दोस्तों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन करके रखा हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।